हेठ हरियाणा देखने वाले ने सारिया ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। जिंद की अनाज मंडी में 1983 बर्खास्त पीटीआई की राज्य स्तरीय सर्वजातीय पंचायत हुई, जिसमें मौके पर निर्दलीय विधायक सोमवीर सागवान और बलराज कुंडू भी शामिल हुए। वहीं इस दौरान वक्ताओं ने हरियाणा की खट्टर सरकार पर जमकर निशाना साधने का काम किया। इस मौके पर 21 सदस्यीय टीम का गठन किया गया, जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मिलेगी। सर्वजातीय पंचायत ने सरकार को 7 दिन का अल्टीमेटम दिया है, अगर 25 जुलाई तक मांगे नहीं मानी तो प्रदेश स्तर पर सर्व खापे और कर्मचारी संगठन मिलकर बड़ा आंदोलन करेंगे। इसी के साथ ये निर्णय भी लिया गया कि सरकार ने उनकी मांगे नहीं मानी तो बड़ौदा उपचुनाव में समस्त खाप कर्मचारी सामाजिक संगठनों के साथ मिलकर बीजेपी के प्रत्याशी को चुनाव में हराने का काम करेंगे। वहीं महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू, जो कि बीजेपी में थे, उन्होंने अपना समर्थन वापस ले लिया था। बलराज कुंडू ने अपना समर्थन पीटीआई को देते हुए कहा कि कुछ नहीं मिलता, अधिकार छीनने पड़ते हैं। उन्होंने कहा कि खट्टर सरकार की तानाशाही को ख़त्म करना है तो बड़ौदा उपचुनाव में मौका है। खट्टर सरकार को बड़ौदा में धूल चटा दो, सरकार तुम्हारे कदमों में होगी और फिर किसी सरकार की औकात नहीं होगी कि वो कर्मचारी भाइयों के साथ बेइंसाफी कर सके। बहरहाल इस सभा में 50 से ज़्यादा लोग इकट्ठा होने की इजाज़त नहीं थी, लेकिन यहाँ कोरोना महामारी के चलते भी लोग पहुँच गए। इस जनसभा में सर्वजातीय खापे और कर्मचारी संगठनों ने भी हिस्सा लिया और खापों ने टीचरों का समर्थन किया। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट द्वारा हटाए गए 1983 पीटीआई की बहाली को लेकर लगातार धरने प्रदर्शन किए जा रहे हैं। आपको हमारी यह रिपोर्ट कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।